हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DSSB की तरफ से बिल्कुल अभी एक नोटिस आया है उसके बारे में पूरी डिटेल। पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। आप देख सकते हो 1/12/2021 का ये नोटिस है, ठीक है। पोस्ट कोड है यहाँ पर आपका 87/20 जो कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की। यहाँ पर एक इसमें जो टोटल वैकेंसी थी 692 थी, यहाँ पर एक टेक्निकल ग्लिच आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर DSSB का इन्होंने बता रखा है कि एग्ज़ाम हुआ है वही 100 नंबर का सब्जेक्टिव होता है और 100 नंबर का जनरल होता है, जिसमें यहाँ पे ये सेपरेट सेपरेट इन्होंने यहाँ पे क्या करा, जो मार्क्स वगैरह हैं वो सेपरेट सेपरेट बताए थे जो जिस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उसे, और एक कंबाइंड मेरिट यहाँ पे निकाल दी थी। उसके दौरान यहाँ पे क्या हुआ, 2/11 को इनका रिजल्ट आया था, उस दौरान यहाँ पे इनका टेक्निकल ग्लिच हो गया। उसमें क्या हुआ, यहाँ पे वो वाले बच्चे भी सिलेक्टेड हो गए हैं, मतलब उसमें आता है जब आप ई डोजियर भरते हैं तो यू आर सिलेक्टेड फॉर द ई डोजियर, तो उसमें यहाँ पे आ गया कि भाई जो बच्चे क्वालिफाई नहीं है मतलब जो वो भी यहाँ पे सिलेक्टेड हो गए। जैसे कि और बहुत बच्चे डुप्लीकेट आ गए कि भाई एक बच्चा मानो SC के कैटेगरी में भी आ गया और वो जनरल में भी आ गया, तो मतलब दो दो जगह आ गए। तो इस तरीके के यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच हुए। जब इन्होंने फिर इन्होंने देखा तो जब इन्होंने क्या नाम है, विद इन फ्यू आवर्स वो वापस उन्होंने ठीक कर दिया वो ग्लिच वगैरह। फिर उसके बाद उन्होंने ई डोजर पे डॉक्यूमेंट वगैरह भी यहाँ पे अपलोड इन्होंने कर लिए, जो कि 8/11 से लेके 22/11 के बीच में यहाँ पे इन्होंने अपलोड किए थे। फिर उसके रिगार्डिंग इन्होंने अब यहाँ पे ये नोटिस डाला है, या तो ये इस वजह से डाला है क्योंकि बहुत बच्चे मेल कर रहे होंगे, या तो मतलब कोई भी बहुत बच्चों के स्क्रीनशॉट पड़े होंगे कि भाई जो क्वालिफाइड नहीं थे पर वो भी शॉर्ट लिस्टेड थे, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे आज एक यहाँ पे ये नोटिस डाल दिया है। अब आप इसे कुछ भी मान सकते, मतलब इन्होंने एक अपडेट दिया है कि भाई ऐसा कुछ हुआ था इस वैकेंसी में तो हमने इसे ठीक कर दिया था विद इन आवर, तो इन्होंने बस यहाँ पर वो अपडेट दी है। तो उम्मीद है यार सबको समझ में आ गया हो, कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो या बताना हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।